नमस्कार, बीएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। बोरुंदा कस्बे की बस स्टैंड स्थित गौशाला परिसर में जन सहयोग व लॉटरी प्रक्रिया से करीब 40 लाख से अधिक की राशि से 3 दर्जन से अधिक दुकानें बनाई जाएगी। वहीं दुकानों से होने वाली आय से गायों के लिए चारा पानी, चिकित्सा सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध भी करवाई जाएगी। इसको लेकर सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों द्वारा गौशाला परिसर में शुभ मुहूर्त में नींव का पूजन भी किया गया। बस स्टैंड के पास स्थित श्री कृष्ण मुक्ता मिश्री रूप सुकुन गौशाला सेवा समिति के तत्वाधान में सरपंच नरेंद्र दांदेथा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करते हुए समिति की पदाधिकारियों की उपस्थिति में करीब 40 दुकानों के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर आधारित दुकानों की नींव की भूमि का पूजन किया गया। वहीं दुकानों के लिए आवेदन शुरू भी कर दिया गया है। प्रति व्यक्ति से प्राप्त आवेदन की राशि से गायों के चारा पानी व चिकित्सा तथा दुकानों का निर्माण भी करवाया जाएगा। आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज लाइव यूट्यूब चैनल। वहीं आयोजित बैठक में गौसेवा समिति अध्यक्ष ऋषभ चंद कोठारी, संरक्षक नरेंद्र दांदेथा, कानून व सलाहकार मंत्री बहादुर सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद जैन, सचिव हरि सिंह भाटी, उपाध्यक्ष सागरमल कोठारी, संतोष कोठारी, भेक सिंह मेड़तिया, राम सिंह मेहरू, कैलाश गहलोत, बक्साराम कछावा, भीकाराम सैनी, डगल चंद आर्य, धनराज कछावा, प्रकाश टाक, लुम्बाराम गहलोत व तुलसीराम सोलंगी सहित कई जनप्रतिनिधि व समाज सेवी इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित रहे। श्री कृष्ण रूप सुकुन गौशाला सेवा समिति के जो दुकानों का ज्यादा आवेदन होगा उसको लेकर जनसहयोग व लॉटरी प्रक्रिया भी की जाएगी, जिसमें करीब 40 लाख से भी अधिक की राशि का बजट अनुमानित माना गया है, जिसमें 3 दर्जन से अधिक दुकानें बनाई जाएगी। वहीं दुकानों से जो आय प्राप्त होगी उस आय से गायों के लिए चारा पानी व चिकित्सा सहित अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज लाइव। श्री कृष्ण मुक्ता मिश्री गौशाला रूप सुगम सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नया कराया गया है। पहले जो समिति थी उनसे गौशाला बराबर चली नहीं, इसलिए नया गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवा के आज इस गौशाला का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके तहत गौशाला के जो चारों तरफ जो बाउंड्री दीवार हैं उसमें दुकानों का निर्माण करके आज हमने 20 दुकानों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। जो हमारे समिति के अध्यक्ष बैरिकम जी कोठारी और हमारे गांव के सरपंच भाई नरेंद्र दान जी देथा के हाथों के कर कमलों द्वारा इसका निर्माण का शिलान्यास किया गया है। और हमें आशा है इसमें पूरे गांव का गायों के लिए सहयोग रहेगा और हम दुकानें जो है वो नीलामी बोली से इनको सेल करेंगे और जो दुकानों से जो किराया वापस आएगा उस किराए से हम गायों का पालन पोषण करेंगे। तो अभी हम 20 दुकानों का निर्माण करवा रहे हैं, उसके बाद में बाकी चारों तरफ भी हम दुकानों का और हॉलों का निर्माण करके और उस प्रकार से इससे जो कमाई आएगी तो ये करीब महीने की 1 लाख रुपए से ऊपर हमारी इनकम हो जाएगी। उस पैसे से हम गायों का पालन पोषण करेंगे। जो भी गांव में आवारा गाय है या जो सांड है, जो हमारे किसान भाइयों की फसलों का जो नुकसान करते हैं, वो नुकसान गौशाले के द्वारा उन गायों को अंदर रख के और उनकी सेवा करके हम किसानों को मदद करेंगे। करीब कितने लाख का प्रोजेक्ट है ये? प्रोजेक्ट तो करीब हमारी जो अभी हमने 20 दुकानों का लिया है ये करीब हमारे 30-40 लाख का प्रोजेक्ट है। इसको पूरा करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में आगे हम फिर बाद में 20 दुकानों का और निर्माण करेंगे। हमारे गांव बोरुंदा में पिछले 6 महीने से ये गौशाला बंद थी, लेकिन ग्रामीणों के निवेदन से और गुरुदेव रूप चंद जी महाराज साहब की आज्ञा से इस गौशाला का पुनः शुरू काम पुनः शुरू किया गया है। आज दुकानों के नींव का मोट कर करीब 20 दुकानों का कार्य शुरू करवाया, जिसमें प्राप्त राशि होने वाली राशि से गाय गौशाला के सभी गायों के लिए के सेवार्थ के लिए लगाई जाएगी और दुकानों के लिए आवेदन कोई भी कर सकता है। इसके लिए गौशाला सेवा समिति से आवेदन प्राप्त कर सकता है। योजना रूप सिंह मरासा के देख रेख में नई कार्यकारिणी बनाई गई है और उसी के अनुरूप उन्हीं के आदेश से ये कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया है। वो बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है और ये ग्राम पंचायत इनकी सराहना करती है और इनको बार बार धन्यवाद देती है, जिससे ग्रामीणों को भी विकास में आगे बढ़ेंगे, उनको भी दुकानें मिलेगी किराए की, इनसे उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और गौशाला में जो भी पैसा आएगा उस गायों के हित में रहेगा और इसमें ग्राम पंचायत इनके लिए हमेशा भरपूर रहेगी और सहयोग करेगी। ये गौशाला काफी दिनों से बंद थी, इसीलिए आज वापस
मदद से इस गौशाला में निर्माण हो रहा है, दुकानें बन रही है और दुकानों से जो भी पैसा आएगा इस गौशाला में लगेगा। जो बाहर गायें घूम रही है वो सारी गौशाला के अंदर डाली जाएगी और यहाँ से 30-40 लाख का प्रोजेक्ट है दुकानों का, वहाँ से 1 लाख रुपये एडवांस लेके इस गौशाला का निर्माण किया जाएगा। और जो बाहर गायें घूम रही है और वो गौशाला के अंदर रहेगी तो हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इसी के साथ इस गौशाला का अच्छा निर्माण होगा। वापस